आदाब जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन टाइम। मैं हूँ फारूक सोनोमानी। आज जुमा के रोज़ शुक्रवार के रोज़ मुझे दोपहर में लगभग कुछ लोगों ने कॉल किए और कुछ ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पर कुछ फोटोग्राफ वगैरह मुझे उन्होंने भेजे और कहा कि यहाँ पर ये जो गली है, यहाँ पर उर्दू स्कूल जिला परिषद की, वहाँ पर बच्चों को जाने आने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप अगर इस बात को उजागर करें तो प्रशासन जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले। आपको बता दूं कि यहाँ पर उर्दू स्कूल की इमारत है, यहाँ पर एक कॉलोनी है, उसके बाद यहाँ पर बाजू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है, उसके बाद बाजू में जामा मस्जिद है और पीछे जो है यहाँ पर बस स्टैंड का इलाका है। और ये जो रास्ता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रास्ता है जो बस स्टैंड से होते हुए गुजरता है, यहाँ पर उसे स्कूली छात्रा, स्कूल के जो बच्चे हैं वो उसे इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी वगैरह जमा होने के कारण बच्चों को स्कूल में जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैं अड़ावल ग्राम पंचायत से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर रेत वगैरह डाल के इस रास्ते को, जो यहाँ पर कीचड़ है, जो पानी जमा हुआ है, उस पानी को बंद करने का इंतजाम करें। बड़ी परेशानी का मामला है, जल्द से जल्द करना चाहिए ग्राम पंचायत वाले। ईंटें नहीं थी वहाँ, भी ईंटें आई सिर्फ। अच्छा, और सुबह दो बच्चे भी गिरे गिर गए ना। आने जाने के लिए पाठशाला के अंदर बहुत ही दिक्कत पेश आ रही है, तो मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके इसका जो है काम किया जाए। और ये जो पानी जो बह रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे गिर रहे, शिक्षक है, जो बुज़ुर्ग है, वृद्ध लोग हैं, और सबको आने जाने के लिए ट्रैवलिंग के अंदर जो दिक्कतें पेश आ रही है।